आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, डॉक्टर थंबी दुराई जी, श्रीमान वेंकैया जी, सभी आदरणीय वरिष्ठ महानुभाव, ताई जी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आपने श्री की शुरुआत की है। वैसे अब पहले जैसा वक्त नहीं रहा है कि जब सांसद को किसी विषय पर बोलना हो तो ढेर सारी चीजें ढूंढनी पड़े, इकट्ठी करने पड़े, वो स्थिति नहीं रही है। टेक्नोलॉजी ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है और अगर आप भी गूगल गुरु के विद्यार्थी हो जाएं तो मिनटों के अंदर आपको जिन विषयों पर जानकारी चाहिए मिल जाती है। लेकिन जब जानकारियों का भरमार हो तब कठिनाई पैदा होती है कि इसमें से छूने कौन सी, किसे उठाए। हर चीज उपयोगी लगती है लेकिन कब करें, कैसे करें, प्रायोरिटी कैसे करें। और इसलिए सिर्फ जानकारियों के द्वारा हम संसद में गरिमामय योगदान दे पाएंगे इसकी गारंटी नहीं। जब तक कि हमें उसके रेफरेंस मालूम ना हो, कोई विषय अचानक नहीं आते हैं, लंबे अरसे से ये विषय चलते रहते हैं, राष्ट्र की अपनी एक सोच बन जाती है उन विषयों पर, दलों की अपनी सोच बनती है और वो परंपराओं का एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। इन सब में से तब जाकर के हम अमृत पा सकते हैं जबकि इसी विषय के लिए डेडिकेटेड लोगों के साथ बैठे विचार विमर्श करें और तब जाकर के विचार की धार निकलती है। अब जब तक विचार की धार नहीं निकलती है तब तक हम प्रभावी योगदान नहीं दे पाते। पहले कई समय होगा कि जब सांसद के लिए सदन में वो क्या करते थे, चाहे उनके क्षेत्र को भी दूसरे चुनाव में जाते थे तब पता चलता था। एक बार चुनाव जीत के आ गए फिर तो आज से 25-30 साल पहले तो किसी को लेता ही नहीं था कि हाँ ठीक है वो जीत करके गए हैं, वो कुछ कर रहे हैं देश के लिए। आज तो ऐसा नहीं है, वो सदन में आता है लेकिन सोचता है फ्राइडे को कैसे इलाके में वापस पहुंचूं। उसके मन पर एक बहुत बड़ा प्रेशर अपने क्षेत्र का रहता है जो शायद 25-30 साल 40 साल पहले नहीं था। और उस प्रेशर को एक तो उसको हैंडल करना होता है क्योंकि कभी कभार वहां की समस्याओं का समाधान करें या ना करें लेकिन वहां होना बहुत जरूरी होता है, वहां उनकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी होता है। दूसरी तरफ सदन में भी अपनी बात रखते समय समय की सीमा रहती है, राजनीतिक विषयों पर बोलना तो यहां बैठे हुए किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, उनके डीएनए में होता है और बहुत बढ़िया ढंग से हर कोई प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन जब विषयों पर प्रस्तुतिकरण करना होता है, कुछ लोग आपने देखा होगा कि जिनका डेवलपमेंट सदन के कानूनी गतिविधि से ज्यादा रहता है, उनका इतनी मास्टरी होती, कुछ भी होता है तुरंत को पता चलता है कि सदन के नियम के विरुद्ध हो रहा है
और वो बहुत पिक होते हैं। तो हमारे दादा बैठे हैं, उनको तुरंत ध्यान में आता है कि ये नियम के बाहर हो रहा है, ये नियम के अंतर्गत ऐसे होना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसी विधा विकसित होती है और वो सदन को बराबर दिशा में चलाए रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और मैं मानता हूं, मैं इसे बुरा नहीं मानता हूं, अच्छा और आवश्यक मानता हूं। उसी प्रकार से ज्यादातर कितना ही बड़ा इश्यू क्यों ना हो, लेकिन ज्यादातर हम हमारे दल की सोच या हमारे क्षेत्र की स्थिति उसी के संदर्भ में ही उसका आकलन करके बात को रख पाते हैं, क्योंकि रोजमर्रा का हमारा अनुभव वही है। वो भी आवश्यक है, पर भारत जैसे देश का आज जो स्थान बना है, विश्व जिस रूप से भारत की तरफ से देखता है, तब हमारी गतिविधियां, हमारे निर्णय, हमारी दिशा, उसको पूरा विश्व भी बड़ी बारीकी से देखता है। हम ऐसे कैसे निर्णय कर रहे हैं कि जो वैश्विक परिवेश में इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। आज हम कोई भी काम अलग थलग रह करके, अकेले रह करके नहीं कर सकते हैं, वैश्विक परिवेश में ही होना है। और तब जाकर के हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। और दुनिया इतनी डायनेमिक है, अचानक एक दिन सोने का भाव गिर जाए, अचानक एक दिन ग्रीस के अंदर तकलीफ पैदा हो जाए, तो हम ये तो नहीं कह सकते यार वहां हुआ होगा, ठीक है, ऐसा नहीं रहा है। तो हमारे यहाँ चिंतन में, हमारे निर्णयों में भी इसका इंपैक्ट आता है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम एक बहुत बड़े दायरे में भी अपने क्षेत्र की जो आवश्यकता है, दोनों को जोड़ करके संसद को एक महत्वपूर्ण माध्यम बना करके अपनी चीजों को कैसे हम कार्यान्वित करवा पाए। हम जो कानून बनाए, जो नियम बनाए, जो दिशा निर्देश तय करवाए, उसमें ये दो मार्जिन की आवश्यकता रहती है। और तब मैं जानता हूं कि ये कितना कठिन काम होता जा रहा है संसद के अंदर, संसद की बात का कितना महत्व बढ़ता चला जा रहा है इसका अंदाजा आ रहा है। मैं समझता हूं कि श्री का जो ये प्रयास है, ये प्रयास, ये बात हम मान के चले कि अगर हमें नींद नहीं आती है तो 5-स्टार होटल का कमरा बुक कर करके जाने से नींद आएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे अपने साथ जुड़ा हुआ विषय है, उसको हमने ही तैयार करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ताई जी कितनी व्यवस्था क्यों ना करे, कितने विद्वान लोगों को यहाँ क्यों ना ले आए, कितने ही घंटे क्यों ना बीते, लेकिन जब तक हम उस मिजाज अपने आप को सज्ज करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये तो व्यवस्थाएं तो होगी, हम उससे लाभान्वित नहीं होंगे। और अगर खुले मन से हम चले जाए, अपने सारे विचार जो हैं जब उस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लें, पल भर के लिए भूल जाए कि मैं इस विषय को जीरो से शुरू करता हूं, तो आप देखना कि हम चीजों को नए तरीके से देखना शुरू करेंगे। लेकिन हमारे पहले से बने बनाए विचारों का संपुट होगा, फिर कितनी ही बारिश आए साहब, हम भीगेंगे नहीं कभी। रेनकोट पहनकर कैसे भीग पाओगे भाई? और इसलिए खुले मन से विचारों को सुनना, विचारों को जानना और उसे समझने का प्रयास करना, यही विचार की धार को पनपाता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन का डोज मिलता रहे, इससे विचारों की धार नहीं निकलती है, ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से विषय की बारीकी की आवश्यकता है, मैं समझता हूं एक श्री के माध्यम से उन विषयों का
जिन बातों की चर्चा होती है भाई, उसका पिछले 50-60 साल का इतिहास क्या रहा है हमारी संसद का या देश का? आखिरकार किस बैकग्राउंड में चीज आई है? दूसरा, आज ये निर्णय का वैश्विक परिवेश में क्या संदर्भ है? और तीसरा, ये आवश्यक है तो क्यों है, आवश्यक नहीं है तो क्यों है? दोनों पहलू उतने ही सटीक तरीके से अगर आते हैं, तब जो सदस्य हैं वो सदस्य का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। उसको लगेगा हाँ जी, मुझे ये लाभ होने वाला है, इसके कारण मेरा ये फायदा होने वाला है और मैं मेरे देश को ये कंट्रीब्यूट करूंगा। बोलने के लिए अच्छा मटेरियल ये संसद के काम के लिए इनफ नहीं है। एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, धारदार बोल सकते हैं, बढ़िया भाषण की तालियां भी बज सकती हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। मेरी एक उत्सुकता थी, इन चीज़ों में थोड़ी रुचि थी। मेरे जीवन में मुझे कभी इस क्षेत्र में आना पड़ेगा ऐसा न सोचा भी था और न ही मेरी कोई योजना थी। संगठन के नाते राजनीति में काम करता था, लेकिन जब आज़ादी के 50 साल मनाए जा रहे थे तो यहाँ 3 दिवसीय एक विशेष सत्र बुलाया गया था, तो मैं उस समय स्पेशली दिल्ली आया था और मैंने हमारे पार्टी के सांसदों से पास निकलवा करके मैं सदन में जाके बैठता था, सुनने के लिए जाता था। करीब करीब मैं पूरा समय बैठा था और मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी कि देश जो लोग चलाते हैं इनके एक एक शब्द की कितनी ताकत होती है, कितनी पीड़ा भी होती है और कितनी अपेक्षाएं होती हैं, कितना आक्रोश होता है। ये सारी चीजें मैं उस समय अनुभव करता था। एक जिज्ञासु के रूप में आता था, विद्यार्थी के रूप में कहो आता था। आज मैं भी कल्पना कर सकता हूं कि देश हमें उसी प्रकार से अपेक्षा करता है, उस अपेक्षाओं को पूर्ण करने का लिए श्री के माध्यम से, वैसे कि श्री अपने आप में ज्ञान का स्रोत है तो वो उपलब्ध होता रहेगा। तो मैं ताई जी को बहुत बधाई देता हूँ और जैसा कहा आप में से शायद बहुत कम लोगों ने ऑक्सफर्ड डिबेट के विषय में जाना होगा। ऑक्सफर्ड डिबेट, उस चर्चा का वैसे बड़ा महत्व है वहाँ, ऑक्सफर्ड डिबेट की चर्चा का एक महत्व है। इस बार हमारे शशि जी वहाँ थे और ऑक्सफर्ड डिबेट में जो बोला है इन दिनों यूट्यूब पर बड़ा वायरल हुआ है, उसमें एक भारत के नागरिक की जो भाव है ना, उसकी अभिव्यक्ति की ताकत बहुत है, उसके कारण लोगों का भाव उसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन यही दिखाता है कि सही जगह पर हम क्या छोड़ करके आते हैं, वो एकदम उसकी ताकत बन जाती है। मौके का भी महत्व होता है, वरना वही बात कहीं जाकर के कहें तो बैठता नहीं। लेकिन उस समय हम किस प्रकार से चीज को लाते हैं और वहां जो लोग हैं उसको कैसे रिसीव करने का उनका दिमाग कैसा होगा, तब जाकर वो चीजों टर्निंग पॉइंट बन जाती है। जिस समय लोकमान्य तिलक जी ने कहा होगा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं नहीं मानता हूं किसी कॉपीराइटर ने कोई ऐसा सेंटेंस बना करके दिया होगा और नहीं उन्होंने भी सोचा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, भीतर से आवाज निकली होगी जो आज भी गूंजती रहती है, आज भी गूंजती रहती है। और इसलिए ये ज्ञान का सागर भी, हम जब अकेले में हो तब अगर हमें मंथन करने के लिए मजबूर नहीं करता है, भीतर एक विचारों का तूफान नहीं चलता रहता और निरंतर नहीं चलता रहता है, अमृत बिंदु के निकलने की संभावनाएं बहुत कम होती है। और इसलिए ये जो ज्ञान का सागर उपलब्ध होने वाला है उसमें से उन मोती को पकड़ना और मोतियों को पकड़ करके उसको माला के रूप में पिरो करके ले आना और फिर भारत माँ के चरणों में उन शब्दों की माला को जोड़ना, आप देखिए कैसी भारत माँ का एकदम दैदीप्यमान हो जाती है। इस भाव को लेकर के हम चलते हैं तो ये व्यवस्था अपने आप में उपकारक होगी। फिर एक बार
मैं ताई जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है न सिर्फ नए लोग, एक और मेरा सुझाव है, पुराने जो सांसद रहे हैं उनका भी कभी लाभ लेना चाहिए, दल कोई भी हो उनका भी लाभ लेना चाहिए कि उस समय क्या था, कैसा था, आयु बहुत बड़ी हो गई होगी लेकिन उनके पास बहुत सी चीजें होगी, हो सकता है कि वो इसमें, क्योंकि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा काम करती है, तो उनको जोड़ना चाहिए। और कभी कभार सदन के बाहर स्त्री के माध्यम से, इन्हीं आपके जो रेगुलर स्टूडेंट बने उनकी बात है ये, उनकी भी कभी वक्तृत्व स्पर्धा का कार्यक्रम हो सकता है, विषयों पर बोलने का स्पर्धा का कार्यक्रम हो सकता है। और सीमित समय में 60 मिनट बोलना बड़ा मुश्किल नहीं होता है, 6 मिनट बोलना बड़ा कठिन होता है। विनोबा जी हमेशा कहते थे कि उपवास रखना मुश्किल नहीं है लेकिन संयत भोजन करना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे ही 60 मिनट बोलना कोई कठिन काम नहीं है, 6 मिनट बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। ये अगर उसका हिस्सा बने तो हो सकता है बहुत उपकार होगा। दूसरा, सचमुच में उनको ट्रेन करना है, ट्रेन करना मतलब कि बहुत सी चीजें आती है, इंफॉर्मेशन देना, चर्चा करना, विषय को समझाना, ये एक पहलू है, लेकिन हमने उसको इस प्रकार से तैयार करना है तो हो सकता है कि उनके बातों को एक बार दोबारा उनको देखने की आदत डाली जाए। कभी कभार हमको लगता है हम एक भाषण देकर के बैठते हैं तो लगता है वाह क्या बढ़िया बोले हैं, लेकिन जब हम ही हमारा भाषण पढ़ते हैं एक हफ्ते के बाद तो ध्यान में आता है यार कितनी बार एक ही चीज में गुनगुनाता रहता था, ये फालतू क्यों मैं बोल रहा था, ये मैं बेकार में टाइम खराब कर, हम ही देखेंगे तो हमारा 20-30% हम ही काट देंगे कि यार मैं क्या बेकार में बोल रहा था। बहुत कम लोगों को आदत होती है को अपने आप को परीक्षित करने की, मैं समझता हूँ कि अगर यह आदत लगती है तो बहुत सी चीजें हमारी एकदम से तप करके बाहर निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।